अगर मान लो कोई एरिया है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं और अगर वहां से कोई एकाध स्पीशीज लुप्त हो जाए तो क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या लगता है, फर्क पड़ता है? एकाध स्पीशीज लॉस हो गई, 45,000 पेड़ है, एक पेड़ की लुप्त हो गई, दो पेड़ लुप्त हो गई। अब इतना इजी होता अगर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है तो फिर वो उसको यहाँ पर रखते ही क्यों। तो एक्चुअली एक साइंटिस्ट हुए स्टैनफोर्ड जगह के इकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है पॉल अर्लिक। क्या नाम है? पॉल अर्लिक। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी यानी कंपैरिजन के साथ ये समझाया। उन्होंने ऐसा कहा कि आप एक एरोप्लेन को इमेजिन करिए और एरोप्लेन में पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं और जो खुराफाती पैसेंजर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे उसके जो नट बोल्ट हैं वो निकालने शुरू करे। नट को बोलते हैं रिवेट्स। क्या बोलते हैं? रिवेट्स। वो जो नट कसे रहते हैं ना वो निकालने शुरू करे। तो पहले तो उन्होंने सीट के वो हैंडल के नट निकाले, फिर धीरे धीरे सीट के नट निकाले, फिर धीरे धीरे और जो अंदर वॉशरूम वगैरह है वहां के नट निकाले, रिवेट्स निकाले। रिवेट्स को निकाला मतलब पॉपअप किया। क्या किया? पॉपअप। इसीलिए इनकी हाइपोथेसिस को नाम दिया गया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो मुझे बताओ कि प्लेन क्रैश हो जाएगा उसकी सेफ्टी पे कोई खतरा है कि नहीं है? सीट के नट निकालोगे तो फिर क्यों होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मान लो कि उनमें से और एक खुराफाती गया और वो जैसे तो भी कर करा के पता नहीं कैसे पैराशूट लेके कैसे करके वो जो प्लेन के पंख है वहां पहुंच गया विंग्स पे और वहां के रिवेट्स उसने पॉप आउट करने शुरू कर दिए। अब क्या होगा? आप तो वो बचेगा ही नहीं, कोई नहीं बचेगा और प्लेन क्रैश कर जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस इकोसिस्टम को एरोप्लेन के बराबर मानो, रिवेट्स वो जो नट है उन्हें स्पीशीज के बराबर मानो, रिवेट को पॉपअप करना स्पीशीज का लुप्त होना खत्म होना मानो। तो अगर नॉर्मली कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि जो कुर्सी की रिवेट्स है उन्हें निकालने से इकोसिस्टम की यानी उन स्पीशीज के खत्म होने से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई जैसे कि वो रिवेट जो विंग्स ऑफ द एरोप्लेन पे है तो पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर सकता है। उन स्पीशीज को की स्पीशीज बोलते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को ड्राइव करेगी। हो सकता है कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हो जो मेजर बायोमास प्रोडक्शन कर रहा हो, वो अगर लुप्त हो गया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम पे फर्क पड़ जाएगा। इस तरह से उन्होंने एनालॉजी करी। अब कितनी मजेदार बात है, उन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दी, कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया और उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो अब ऐसा नहीं कि आप कहानियां सोचने लग जाओ, क्योंकि उसके लिए ऑफकोर्स उसके पीछे उनकी रिसर्च होगी, कुछ ना कुछ पेपर पब्लिश हुआ होगा तभी उनका नाम आया है। हम इसे एक ट्रिक से याद रख लेंगे, भाला। हमारी ट्रिक क्या है? भाला यानी स्पीयर। स्पीयर एस है स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, इनका पूरा नाम हो गया पीई यानी पॉल अहरले। एरोप्लेन की एनालॉजी यानी कंपैरिजन दिया था। आर मतलब रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने प्लेन को माना इकोसिस्टम के बराबर, रिवेट्स को माना है स्पीशीज के बराबर एंड रिवेट्स ऑन विंग्स को माना है की स्पीशीज के बराबर। की स्पीशीज वो हैं जो पूरे मेजर इकोसिस्टम के फंक्शंस को ड्राइव करती हैं, कंट्रोल करती हैं। वो स्पीशीज अगर लुप्त हो गई तो इकोसिस्टम की सेफ्टी को खतरा है, अदरवाइज स्टेबिलिटी को खतरा नहीं है। तो आइए हम लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीशीज लॉस टू इकोसिस्टम हेल्थ। लिखिए